पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित वहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए भारत में कानून बन गया है। पाकिस्तान इस कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन अपने देश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न नहीं रोक पा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पौश इलाके से लापता हुई हिंदू युवती को अगवा कर और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल महक केसवानी कराची के डिफेंस हाउसिंग इलाके से 13 दिसंबर को लापता हो गई थी। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में महक को ये कहते देखा जा सकता है कि वो किसी के दबाव में नहीं है, उसे किसी ने बंधक नहीं बनाया हुआ है और उसने स्वेच्छा से इस्लाम अपनाया है। मैं महक फातिमा अपनी रजामंदी से दरगाह बरचुंडी शरीफ में मियां जावेद अहमद के हाथ पे इस्लाम कबूल किया है। ना मुझ पे किसी ने जबरदस्ती की और ना ही मुझे हब्स वीजा में रखा गया है। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दे। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान में आखिर केवल युवा हिंदू लड़कियां ही क्यों इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित होती हैं? हम पाक में क्यों नहीं पाते हैं कि अधिक उम्र की हिंदू महिलाएं इस्लाम धर्म कबूल करती हैं? न्यूज़ डेस्क।